अच्छा इसमें कितना ले रहे सर? ये कितना ले रहे? 100 क्यों ले रहे इसमें? नहीं लिया मैंने, नहीं नहीं वही से तो 20 था पहले। नहीं डिक्लेरेशन को नहीं लेते थे, 20 रुपया लेंगे सर। 100 ये तो डायरेक्ट अपने अकाउंट में, वो भी ऐसा रूल नहीं है। कितना लेते वैसे आपको? कितना 100 लेते सबसे? नहीं नहीं हम पहले ही किया था ना, हो जाएगा। लेकिन ऐसे आप डायरेक्ट अपने अकाउंट में नहीं लेने, मेरा ये फोन ना IMC का। कैश देखो, नहीं नहीं कैश देगा आप ऐसे अपने होगा। ठीक है ना, आपका यहाँ कहाँ यहाँ में होगा ऑफिस? ये तो ये तो अपने अकाउंट में लिया ना, रेजिग्नेशन का फॉर्म है वो देखो। बट स्कैन नहीं नहीं ये 20 रुपये का है तो दोनों मिला के ये तो आप लेना नहीं लेना आप वो तो अपने मर्जी। नहीं फिर भी 30 होता है ना, ऐसे बोले कॉमन आदमी को अपने ऐसे ये कर रहे हैं। नहीं नहीं वो काउंटर इसको बेचने के लिए हम मना किया है, इसको तो बेचने हम मना किया है। फिर भी 100 अपने अकाउंट में लिया। सर ये टेकिंग ना देखिए, यहाँ में 100 रुपीज ले रहे इसको ना, वो लोग अपने अकाउंट में ले रहे हैं। आई एम पर्सनल रिपोर्टर ना, तो अभी अभी पब्लिक को सबको ऐसे 100 रुपीज ले, 20 रुपीज है, 20 के जगह में अपने अकाउंट में 100 रुपीज ले जाएगी। तो हम लोग अपने अकाउंट में ले रहे, देखिए आप अपने अकाउंट में ऐसे ले रहे हैं। चलिए आप स्कैनिंग नहीं है, IMC का अकाउंट में लेना चाहिए। वाई यू विल टेक 100 रुपीज? हाँ लिया है, वो तो लेडीज है, ताको सबको ऐसे ले रहे हैं आपको। तो ये तो हाँ वो उधर लिए, हम कंप्लीट ये ट्रेनिंग लेसेंस मैडम बेटा रीना रीना मैडम 100 तो ज्यादा है। तो ये अपने अकाउंट में स्कैनिंग लिए, ये इसे कितना बना रहे क्या बोलता है? यहाँ में लोटरी है ना, वो तो यहाँ का रेट ये उसमें सब जगह ऐसा हो रहा है। पब्लिक कंपनी तो ठीक है, नहीं आप कैश ला बोला स्कैनिंग दिया अपना ना, तो उसके बाद हम बोले कि कैश नहीं है अपना अकाउंट, वो स्कैनिंग दिए। तो IMC इट शुड गो टू IMC रेवेन्यू ना, वो लोग का पर्सनल अकाउंट में 100 रुपीज क्यों जाएगा स्कैनिंग में? ऐसे 80 रुपीज का बात नहीं है, आप लोग कॉमन आदमी से भी ना, सब कॉमन आदमी के लिए जो रेट बनाया बनाया सुविधा तो है, लेकिन यहाँ मिल रहा है जो नॉमिनली भी ठीक नहीं, जो रूल है एक्चुअली इसका तो हम लोग ऑर्डर नहीं दिया। तो सुविधा आपके लिए अवेलेबल कर, लेकिन तू मत प्राइस में वो मिला के साथ वो के लिए आदमी ऐसा देगा तो 80 रुपीज बड़ा बात नहीं है, लेकिन रूल क्या है? रूल क्या है? 100 रुपीज क्या नियम है इसका? तो इसका कितना क्या है मतलब? एक्चुअली इट शुड गो टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, इट शुड गो टू IMC रेवेन्यू। व्हाई समबडी विल टेक इन देयर ओन अकाउंट? इसको हम लोग इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, इसको ला मेरा अकाउंट में जाने से अपना यहाँ से पैसा तो नहीं नहीं ऐसा 100 क्यों ले रहा है वही चीज को हम लोग जान रहे हैं ना। ऐसा रूल क्या है एक्चुअल? रूल क्या है? आप लोग एक रूल बनाना चाहिए इसमें, इसको एक्टी करते हैं इतने क्यों ले रहे हैं? इसको आप लोग ऐसा करना है ये वाला को एक्चुअली ये एफिडेविट लेके एफिडेविट करने जाओ बोले से ना, इन लोगों ने एक तो खुद को करना, आप लोग का स्कैनिंग होना चाहिए IMC का अपना पर्सनल स्कैनिंग से रखना चाहिए। ये जो एक रेवेन्यू में जाना चाहिए ये जो स्कैनर है अंडर प्रोसेस
तो ऐसे ये तो पब्लिक इशू को उठा रहे हैं ना, मेरा 80 रुपीज तो बड़ा बात कुछ नहीं है, लेकिन ये पब्लिक का इशू है, आप जो जेन्युइन क्या रेट है वो मानो, क्योंकि वो तो ले लेगा, लेकिन उसमें आप लोग वहाँ एक रेट लगा दीजिए ना सर, आप लोग डेट शुड बी ट्रेडिंग लाइसेंस फॉर्म 80 रुपीज और 50 रुपीज पब्लिकेशन तो, लेकिन अभी ये लोग सुविधा के लिए पब्लिक लोग पूछते हैं क्या टाइप करेगा क्या करेगा, बहुत परेशान करते हैं तो दे दो बोलता है, इसलिए दूसरा को भी 100, हम भी 100 बोला है, हम पहले बोला कितना तो 100 बोला, तो स्कैनिंग नहीं बोला, स्कैनिंग पहले मैडम बोला 100, तो बाद में बोला पेपर से मेरे पास चेंज नहीं है, तो 100 दूसरा को भी 100 कैश भी लिया, तो वो तो गलत है, अब क्या है वो तो ये फॉर्मेट करना चाहिए बोले से माई कंसर्न इज दैट पर्सनल अकाउंट नहीं हो के आप लोग का स्कैनिंग होना चाहिए, आप लोग IMC का स्कैनिंग दिया, ईटानगर कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड टुडे वी वेंट टू ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस टू टेक दिस फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग लाइसेंस टू अप्लाई न्यू ट्रेडिंग लाइसेंस. If somebody wants to apply new trading license, they have to go to Itanagar Municipal Corporation and they have to take this form, 30 rupees. And this is a court paper of 10 rupees. They are taking the staffs of Itanagar Municipal Corporation. They are taking 100 rupees, but they have to pay 70 rupees more to buy this. अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है और ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो म्युनिसिपल बॉडी है, सिविक बॉडी है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर को साफ करने के लिए, ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वहां पे हम गए और ट्रेडिंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और भी जितने काम है अरुणाचल की कैपिटल को स्वच्छ करने के लिए, वहां पे लोग जाते हैं और ट्रेडिंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, अलग अलग तरीके से फॉर्म्स लिए जाते हैं. ये फॉर्म आप देखिए, ये ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये रिन्यूअल फॉर्म है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये जो 10 रुपीज का एक कोर्ट पेपर का ये अरुणाचल गवर्नमेंट का, टोटली ये 30 रुपये का होना चाहिए, 30 रुपये की इस यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन 100 रुपये ये हमारे सामने, जैसे हमने यहाँ पे जाना 100 रुपीज सबसे लिए जा रहे हैं, ये 100 रुपीज हमने दिए रीना ताको उनकी वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ये 100 रुपये हर एक सिटीजन जो अरुणाचल के नागरिक हैं ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाते हैं ट्रेडिंग लाइसेंस बनाने, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने, ये तो एक छोटा सा स्मॉल फॉर्म ऑफ करप्शन है. ये 30 रुपये के फॉर्म को 100 रुपये लिया जा रहा है और वो जो स्टाफ है IMC के, हमने ये रिवेन्यू ऑफिसर के पास जब कंप्लेन करी, रिवेन्यू ऑफिसर ने उनको बुलाया और ये कहा कि ये तो बिल्कुल नाजायज तरीके से लिया जा रहा है 100 रुपये, 100 रुपीज जो लिया जा रहा है, और स्कैनिंग जो रिवेन्यू ऑफिसर ने बताया कि हमारे यहाँ जो स्कैनिंग जो स्कैन के थ्रू जीपे QR कोड के थ्रू जो लिया जा रहा है, जो स्टाफ के अपने ही अकाउंट में रिवेन्यू जनरेट होता है IMC का अपना, अभी तक जीपे जो रिवेन्यू ऑफिसर ने बताया कि अभी तक हमारा जीपे QR कोड जनरेट नहीं हुआ, उसके बाद ही हम डायरेक्ट स्कैन में ले पाएंगे QR कोड में, लेकिन अपने आप में ये छोटी सी स्मॉल करप्शन है, छोटा सा एक बहुत ही छोटा एक करप्शन का मामला जो यहाँ पे है, यहाँ ये जो लिया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की जो जनता है जो जाती है 30 रुपये के फॉर्म, ये जो नया ट्रेडिंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं ये 30 रुपये के फॉर्म के बदले आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं. ये एक जो रेवेन्यू ऑफिसर ने उनको बुलाया और पैसे वापस देने के लिए, हमने जब पड़ताल करी, हमने जब कंप्लेन करी, हमें 80 रुपीज वापस देने की बात करी, लेकिन हमने ये मना किया क्योंकि ये जनता के हित में है, जनता का रेवेन्यू का पैसा जो IMC में जाना चाहिए, जो जायज है, जिस 20 रुपये के फॉर्म के बदले 100 रुपये लेना, ये ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो रिवेन्यू को भी नुकसान पहुंचाएगा, रिवेन्यू और अपने जो अपने ही स्टाफ अपने अकाउंट में पैसे लेते हैं, ये कई लोग हजारों लोग जाते हैं फॉर्म लेते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के, ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए और डेथ सर्टिफिकेट हो, अलग अलग मैरिज सर्टिफिकेट, सब ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाते हैं और ये इस तरीके से फॉर्म लिए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से फॉर्म को 6 गुना ज़्यादा बता के लोगों से, जनता से 20 रुपये के बदले 100 रुपये लेना, ये छोटी सी ही बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक छोटा करप्शन का मामला है. हमने जाना रिवेन्यू ऑफिसर से, लेकिन
ऐसा होते जा रहा है, काफी टाइम से ये चल रहा है। 20 रुपए के फॉर्म के बदले 100 रुपए लेना ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिवेन्यू में नहीं जाके उनके स्टेट जो अपना अकाउंट है आईएमसी का, आईएमसी के जो फंडिंग है, रिवेन्यू जो जनरेट होता है इन सब फॉर्म से ट्रेडिंग लाइसेंस इशू करने से, ये एक उनके एक्सचेकर को, ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सरकार के सपोर्ट से अरुणाचल प्रदेश की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस है ईटानगर में, वहां पे इस तरीके से ये फॉर्म का लोगों से इतने ज्यादा तरीके से 20 रुपए के बदले 100 रुपए लेना, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है और लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा ही।